का दोस्तों हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर मैं आपके सामने इड़ा सर्ग की व्याख्या का अगला भाग लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रही वृष्टि, अनजान समस्याएं गढ़ती रचती हो अपनी विनष्टि। काम मनुष्य कहते हैं कि मानव जाति की जो यह नूतन नई प्रजातांत्रिक सृष्टि होगी उसमें लगातार भेदभाव और संघर्ष होता रहेगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मनु अपनी उसमें खोए हुए थे, स्मृतियों में खोए हुए थे, तभी उनको काम की जो है वाणी सुनाई देती है और वो मनु से कहता है कि मनु तुम श्रद्धा को गए फूल और ये भूल, और ये कहते हुए वो काम जो काम है कामदेव हैं वो मनु को श्राप देते हैं। तो वही आगे अब काम देवता कह रहे हैं कि यह जो तुम्हारी मानव जाति की नई प्रजातांत्रिक सृष्टि होगी यानी जो प्रजातंत्र होगा उसमें लगातार भेदभाव का संघर्ष होता रहेगा और नाना जातियों की सृष्टि हो जाएगी, सृष्टि होगी, नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी जो विनाश की ओर ले जाएंगी, उस प्रजातंत्र को विनाश की ओर ले जाएंगी। कोलाहल कलह अनंत चले एकता नष्ट हो बढ़े भेद, अभिलषित वस्तु तो रहे दूर हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेद। कोलाहल और लड़ाई झगड़े का बोलबाला होगा, चारों तरफ कोलाहल होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, एकता नहीं होगी, एकता खत्म हो जाएगी, हर तरफ भेदभाव होगा, जो इच्छित वस्तु होगी उसकी तो प्राप्ति किसी को नहीं होगी, हाँ अनिच्छित जो दुख होगा वो अवश्य मिलेगा। हृदयों का हो आवरण सदा अपने वक्षस्थल की जड़ता, पहचान सकेंगे नहीं परस्पर चले विश्व गिरता पड़ता। लोगों की हार्दिकता प्रेम त्याग सेवा आदि भावों पर पर्दा पड़ जाएगा और मनुष्य क्रूर बनकर जड़ भौतिकता की उपासना करने में लगा रहेगा। सब कुछ भी हो यदि पास भरा पर दूर रहेगी सदा तुष्टि, दुख देगी यह संकुचित दृष्टि। आगे काम ये कह रहे हैं काम देवता कि यदि उनके पास जो मनुष्य है वो मात्र भौतिकता की ही उपासना करेगा और कोई किसी को पहचानेगा नहीं और इस संसार में इसी प्रकार गिरता पड़ता बढ़ता रहेगा, चले विश्व गिरता पड़ता। भौतिक साधनों से संपन्न होने के बाद भी मनुष्य में सुख और संतोष नहीं होगा, इसलिए उसे शांति की प्राप्ति भी नहीं हो सकेगी, उसकी संकुचित दृष्टि जो तुम्हारे पास है उन्हें सदा दुख देती रहेगी। अनवरत उठे कितनी उमंग चुंबित हो आंसू जलधर से, अभिलाषाओं के शैल श्रृंग जीवन न दहाहाकार भरा हो उठती पीड़ा की तरंग। काम मनु को श्राप देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी सृष्टि के लोगों में इच्छाओं की अनंत उमंगें तो उठती रहेंगी, मतलब मानव जो होगा तुम्हारी जो प्रजा होगी वो महत्वाकांक्षी होगी, इच्छाओं के पर्वतों की ऊंची चोटियों का आंसुओं के बादल चुंबन करते रहेंगे, मतलब अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के अभाव में मनुष्य हमेशा दुखी रहेगा। लालसा भरे यौवन के दिन पतझड़ से सूखे जाएं बीत, संदेह नए उत्पन्न रहें उनसे संतप्त सदा सभीत। काम आगे ये कह रहे हैं कि जो उच्च आकांक्षाओं से भरे हुए लोगों का जो यौवन के दिन होंगे वो पतझड़ के सूखे पत्तों की तरह बीत जाएंगे, मतलब यौवन का कोई सुख उन्हें प्राप्त नहीं होगा जैसे तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। सदैव
तरह तरह की आशंकाएं उनमें उठती रहेंगी जिनसे लोग दुखी और भयभीत रहेंगे। फैलेगा स्वजनों का विरोध बन कर तब माली श्याम अमा दारिद्र दलित बिलखाती हो यह सस्य श्यामला प्रकृति रमा। अंधकार भरी काली अमावस की रात की तरह आत्मीय जनों का विरोध बढ़ेगा। अन्न से भरपूर ये सुंदर पृथ्वी दुख और दरिद्र से हमेशा बिलखती रहेगी। दुख नीरद में बन इंद्रधनुष बदले नर कितने रंग नए रंग बन तृष्णा ज्वाला या पतंग। दुख के बादलों के बीच में मनुष्य इंद्रधनुष की बहुरंगी स्वरूप की तरह अपना रूप बदलता रहेगा और भौतिक तृष्णा की आग में पतंगों की तरह जलता रहेगा। वह प्रेम न रह जाए पुनीत वह स्वार्थों से आवृत अपने स्वार्थों से आवृत हो मंगल रहस्य सकुचे सबीत सारी संतृति हो विरह भरी गाते ही बीते करुण गीत। काम कहते हैं कि तुम्हारी जो आने वाली सृष्टि होगी वो लोगों का एक दूसरे से प्रेम पवित्र नहीं रहेगा। उसमें सब लोग अपने अपने स्वार्थ में लगकर एक दूसरे से एक रहस्य भरा प्रेम करेंगे, कल्याण करने में संकोच करेंगे और हमेशा भयभीत रहेंगे। सारा संसार एक दूसरे के वियोग अलगाव से पीड़ित होकर सदैव दुख के ही गीत गाता रहेगा। आकांक्षा जलनिधि की सीमा हो क्षितिज निराशा सदा रक्त तुम राग विराग करो सबसे अपने को कर सतसाह विभक्त। लोगों की जो इच्छा रूपी समुद्र का कोई सीमा नहीं होगी। निराशा का क्षितिज सदैव समस्याओं से युक्त रहेगा। अनंत आकांक्षाओं का अंत निराशा में होगा। तुम्हारा जीवन सबसे प्रेम और द्वेष करने में बीतेगा और सैकड़ों जगह से विभक्त रहेगा क्योंकि आदि पुरुष होने के कारण तुम्हारी ममता सबके प्रति होगी। मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध दोनों में हो सद्भाव नहीं वह चलने को जब कहे कहीं तब हृदय विकल चल जाए कहीं। मस्तिष्क और हृदय में कोई भी तालमेल नहीं होगा। हृदय और मस्तिष्क का संबंध 3 और 6 का रहेगा। सारा वर्तमान कष्ट में बीतेगा और अतीत का सुख स्वप्न बनकर रह ये जाएगा। क्षण सुंदर अपना हो अतीत पेंगों में झूले हार जीत। मतलब जो हमारा जो अतीत का सुख है वो स्वप्न बन जाएगा। इस तरह से सुख दुख के संघर्ष करता हुआ मानव का जीवन व्यतीत होगा। उसे शांति और सुख कहीं भी नसीब नहीं होगा। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगली जो व्याख्या के वीडियो है मैं अगले वीडियो में आगे की व्याख्या में आगे के वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।